आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ANSYS सॉफ्टवेयर में हम प्रॉपर्टी कैसे इंपोर्ट करते हैं। पहले तो हम खोलेंगे ANSYS सॉफ्टवेयर, ANSYS अपना सॉफ्टवेयर, क्लिक ऑन ANSYS, रन ANSYS। ये ANSYS सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ओके, नाउ सिलेक्ट इंजीनियरिंग डेटा, डबल क्लिक ऑन इंजीनियरिंग डेटा। नाउ एडिट इंजीनियरिंग डेटा। ओके, नाउ इंजीनियरिंग डेटा सोर्सेस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी दिखाई गई है, एल्यूमिनियम, कॉन्क्रीट, कॉपर एलॉय, ग्रे कास्ट आयरन, मैग्नीशियम एलॉय। अब हम अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाएंगे, खुद नई प्रॉपर्टी बनाते हैं, उसका नाम लिखेंगे न्यू मटेरियल्स, न्यू मटेरियल्स। ओके, न्यू मटेरियल्स, ओके। नाउ अब हमें मटेरियल का नाम लिखना है, सपोज हमें लिखना है मीडियम कार्बन, हमें अगर मीडियम कार्बन स्टील की प्रॉपर्टी लिखना है तो मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील लिख दिया। अब क्या करना है, मीडियम कार्बन स्टील, अब अपन उसकी प्रॉपर्टी डालनी, तो हम प्रॉपर्टी में क्या क्या लेंगे, वो हमें क्या क्या लेना है। पहले तो हमको फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी लेनी है अपन को। ओके, फिर अपन को लेनी है आइसोट्रोपिक इलास्टिसिटी, जिसमें अपन को पॉइजन रेशियो, यंग मॉड्यूलस और ब्लॉक मॉड्यूलस और सीयर मॉड्यूलस, लेकिन अपन को दो ही वैल्यू लिखनी है, या यंग मॉड्यूलस और पॉइजन रेशियो, या फिर ब्लॉक मॉड्यूलस और सीयर मॉड्यूलस, दो ही सिलेक्ट करनी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, उसकी नेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या लेनी है हमको, तो अपने पास कौन सी है, तो एक यील्ड और टेंसाइल, ये दोनों लेनी है अपन को, एक ये और दूसरी अल्टीमेट। ओके, सिर्फ पांच प्रॉपर्टी डालनी है, ज्यादा नहीं, जैसी आपकी जरूरत। तो डेंसिटी कितनी है मीडियम कार्बन स्टील की, डेंसिटी है 7845, फिर यंग मॉड्यूलस वो कितना है, वो है गीगा, 200 गीगा पास्कल, तो पहले उसको मेगा पास्कल में कर दो और 200 की जगह 20,000 लिख दो, हो गया। फिर पॉइजन रेशियो वो कितना है, मीडियम कार्बन स्टील का पॉइजन रेशियो है 0.285। अब ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं, जब आप ये दोनों लिखोगे तो ये दोनों नहीं लिख पाएंगे, इन दोनों वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। ओके, टेंसाइल, टेंसाइल कितनी है, टेंसाइल 620 है, कितना है वो मेगा पास्कल है, तो उसको मेगा पास्कल ले लो, और यहाँ पर लेकर दो 620। फिर अल्टीमेट कितना है, ये 415 है, सॉरी ये 415 है और अल्टीमेट 620 है,
इसको मेगा पास्कल करना पड़ेगा ना। ओके, तो हमने पूरी प्रॉपर्टी डाल दी। ओके, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से पहले अपन को क्या करना है, एक प्रोजेक्ट लेना है, इसको फिनिश करना पड़े। तो अपग्रेड हो गया। अभी अपन प्रोजेक्ट, अभी अपन ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज करेंगे, तो किसी भी एक मॉडल लेके चेक करते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। ओके, तो जियोमेट्री लेते अपन, न्यू जियोमेट्री। ये खुल रहा है, फाइल एक्सटर्नल जियोमेट्री, जहां से आप लेना चाहो वहां से ले लो और ओपन कर दो। जैसे ही आपने ओपन किया है फिर उसको जनरेट करना होता है। इसके पहले यूनिट का मॉडल क्या है, तो मिलीमीटर डाल दिया उसको। अब इसको जनरेट कर रहे हैं अपन, ये थोड़ी देर में जनरेट हो जाएगा। तो ये जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा मॉडल। थ्री पार्ट में ये मॉडल है, ये थ्री पार्ट में, ये क्रैंक पिन है, ये शाफ्ट है, वे शाफ्ट और वे। अब अपन को जाना है वापस प्रोजेक्ट में, फिर मॉडल करना है, उसको भी एडिट करना है अपन को। मॉडल जनरेट हो रहा है, अभी मॉडल जनरेट हो चुका है। अभी अपन को इस जियोमेट्री के अंदर मटेरियल डालना है। कैसे डालेंगे, तो जाएंगे जियोमेट्री में, मॉडल जियोमेट्री मॉडल। अभी तीन पार्ट है, अपन तीनों पार्ट में अलग अलग मटेरियल डाल सकते हैं। अभी फिलहाल कौन सा है, स्ट्रक्चर स्टील है, लेकिन अपन को चेंज करना है तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर स्टील क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखा नहीं रही, तो फिर प्रोजेक्ट में जाएंगे, इंजीनियरिंग डेटा में जाएंगे, एडिट करेंगे रिसोर्सेज, फिर क्या करेंगे अपन चनर, तो उसमें एड करना है अपन को एल्यूम एलॉय, एल्यूमिनियम, ग्रे कास्ट आयरन और ये अपना वो नया मटेरियल। अच्छा, वो एडिट मोड में उसको बंद करना पड़ेगा पहले, ये मोड बंद कर दिया ताकि इसको हम ऐड कर सके, ये सेव हो गया अपनी ड्राइव में। अब इसको ऐड कर दिया, तो अपन ने कितनी चार मटेरियल सिलेक्ट किया। अभी अपन को कौन सा यूज़ करना है, तो हम देखते हैं मॉडल नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, फिर इसको जनरेट करना पड़ेगा मॉडल, तो फिर से मॉडल को जनरेट करो ताकि हम उस मटेरियल को यूज़ कर सकें। हो गया, मटेरियल चेक करो कौन सा लेना है अपन को, आ गया मटेरियल। अभी मीडियम कार्बन स्टील लेना है, दूसरा पार्ट है उसमें हमें क्या लेना है, मीडियम कार्बन स्टील, तीसरा पार्ट है उसमें मीडियम कार्बन स्टील लेना है। तो आप ऐसे किसी भी पार्ट के लिए कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आपको मटेरियल प्रॉपर्टी डालनी है और ऐसे आपका मटेरियल हो जाएगा।